कि जो जो इस बंगले के मालिक हैं एक सीनियर सिटीजन है और बहुत ही भोले इंसान हैं, जिनका नाम बलवंत सिंह राठौर है। हाँ, जिनका नाम बलवंत सिंह राठौर है और वो उस प्रीमिसेस के भी मालिक हैं जहाँ हम लोग स्टे कर रहे हैं। हम लोग इन्हीं के होटल में रुके हुए हैं और इन्हीं के घर पे शूटिंग कर रहे हैं, जिसका नाम है आद्या लॉन्स एंड रिजॉर्ट्स। राठौर साहब को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा, वो तो उम्र में मेरे पिता तुल्य हैं। मैं प्रणाम करना चाहूँगा और मैं कहूँगा कि आप हमारे भोजपुरी समाज के लिए, हमारी इंडस्ट्री के लिए यदि इतना सहयोग आप कर रहे हैं, इतना निष्ठा से, इतना प्यार से, इतना संस्कार के साथ आपने हम अपना पूरा घर दे रखा है। अमूमन बाहरी लोगों को कोई घर में जगह नहीं देता है, तो थैंक यू सो मच कि आप केवल मेरा सहयोग नहीं कर रहे हैं, हमारी इंडस्ट्री का सहयोग कर रहे हैं। थैंक यू सो मच, हमारा बहुत बहुत शुक्रिया। ये जैसा कि अब अभी सब ने बहुत कुछ बताया, हमारी इस फिल्म में रवि जी जिन्होंने ये कहा कि बहुत ही शॉर्ट इंटरवल में आपने मुझे बुलाया, और मैं ये कहूँगी कि आपने मुझे अपने इस किरदार के काबिल समझा और मुझे आवाज़ दी, जिसके लिए मुझे बहुत अच्छा लगा। विमल जी बहुत अच्छी अदाकारा हैं और बहुत ही कम समय में और बहुत अच्छे तरह से जो साथ देते हैं अपने सीन में, पूरी तरीके से इन्वॉल्व होते हैं, और हमारी ये पूरी टीम वाकई में बहुत अच्छी है, बहुत मेहनती है, बहुत कोऑपरेटिव है, और हम यही कहेंगे कि हमारे उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ की सरजमी पे ये हमारी गंगा राज एक प्रेम कथा जिसकी शूटिंग हो रही है, और मुंबई से आके हमारे रवि चोपड़ा जी ने ये बीड़ा उठाया है, तो हम सभी लोग उनका एक बार बहुत स्वागत करते हैं कि उन्होंने ये चीज़ सोची। अगर ये चाहते हैं तो बॉम्बे में भी ये शूट कर सकते थे, लेकिन जैसा कि उन्होंने कहा कि मुझे भी कुछ समाज को देने के बारे में मैं सोच रहा हूँ, मैंने बहुत काम कर लिया, तो ये इनकी सोच नहीं, ये इनकी महानता है, दिस इज़ द ग्रेटनेस। और यही ग्रेटनेस है कि उन्होंने अपने इस फिल्म की शूटिंग के दौरान कितने सारे लोग हमारे जो हमारे यूपी से जुड़े हुए हैं, लखनऊ की सरजमीन से, हमारे ये सीतापुर के गांव जहाँ पे ये शूट हो रही है, बहुत सारे लोगों को काम मिला, रोज़गार मिला, और अपने आप में हमारी बॉम्बे की ये फिल्म इंडस्ट्री जो कि अपने पौधे लगा रही है हमारे फिल्म बंधु में, उसके लिए भी रवि जी को बहुत सारा सम्मान के साथ, हम प्यार के साथ उनको बधाई देते हैं कि इसी तरह से आप आने वाले समय में भी अपनी फिल्में बनाएं और हमारे प्रदेश को, हमारे फिल्म बंधु को, हमारे सभी कलाकारों को अपने साथ जोड़िए, उनकी प्रतिभा को निखारिए और उनको भी बॉलीवुड तक पहुँचाएं। एक शब्द मैं और जोड़ना चाहूँगा कि सचमुच हम लोगों को यूपी में अपना एक एस्टेब्लिश्ड प्लेटफॉर्म बनाना चाहिए, जिससे हम यूपी के जितने भी लोग हैं, यूपी, बिहार, उत्तरांचल के जो पूर्वांचल के जो जाते हैं, पश्चिम में जाते हैं, यानी कि बॉम्बे, गुजरात, काम की तलाश में जाते हैं, हम चाहते हैं कि उनको काम यहीं मिले, यूपी में मिले। उत्तर प्रदेश में जब से योगी साहब का आया है राज, और हम लोग बहुत ही अपने आप को सेफ, साउंड और उत्साहित महसूस करते हैं, हम फुल ऑफ एनर्जी महसूस करते हैं, जो कि आज से 10 साल पहले हमें कोई यूपी के बारे में बोलता था तो शायद हम शब्द भी नहीं बयान कर सकते कि हम क्या सोचते थे, लेकिन आज बहुत अच्छा माहौल है, हर डिपार्टमेंट से सहयोग मिलता है, और एक बिजनेसमैन जो यहाँ आकर इन्वेस्ट करना चाहता है उसकी सबसे पहली प्रायोरिटी यही होती है कि उसको सेफ्टी और सिक्योरिटी मिले, जो इस वक्त पूरी तरीके से योगी महाराज जी ने दे रखी है। मैं बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा हमारे योगी आदित्यनाथ जी को और उनकी पूरी कैबिनेट को, उनके पूरे जितने भी MLA हैं, और सबसे बड़ी बात है कि उन्होंने जो डिपार्टमेंट फिल्म बंधु बना रखा है वो बहुत ही ज़्यादा एनकरेजिंग है, जिससे जितने भी लोग पहले बॉम्बे में या कहीं और जाके शूट करते थे, अब वो सब उत्तर प्रदेश में आ रहे हैं, इससे इसका टूरिज्म को बहुत ही फायदा हो रहा है, और करोड़ों लोग अब टूरिज्म के नाम पर उत्तर प्रदेश में आना शुरू हो गए हैं, और हमें अच्छा लगता है भाई। देखिए, जहाँ टूरिज्म आएगा वहाँ बिजनेस बढ़ेगा, वो स्टेट हमेशा प्रॉस्पर करेगा, और हम उसमें एक छोटा सा योगदान देने की कोशिश कर रहे हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।